अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस। नाउ आई एम बैक विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ थ्री स्टेज टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ हेक्सागोनल प्लेन ऑफ 30 mm साइड रेस्ट ऑन the VP on an edge such that the surface is inclined at 45 degree to the VP and the edge on which it rests is inclined at 30 degree to the HP. Draw its projection. ये question भी पिछले question से मिलता जुलता है और मैंने पिछले question में बहुत सारे concepts बताए थे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस question में, जैसे कि पिछले question में मैंने आपको नहीं बताया था। Suppose this is a reference line XY, दो कंडीशन लूंगा, है ना, ये भी एक्स वाई है। अगर पहले टॉप व्यू बनेगा, फिर फ्रंट व्यू बनेगा, फिर फ्रंट व्यू बनेगा, फिर टॉप व्यू बनेगा, फिर टॉप व्यू बनेगा, फिर टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू बनेगा। ये सीक्वेंस आप याद रखिए, 1 2 3 4 5 6। पहले कब टॉप व्यू में ये सीक्वेंस फॉलो करोगे, और अगर पहले फ्रंट व्यू बना तो पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरे में फिर टॉप व्यू बनेगा, चौथे में फ्रंट व्यू बनेगा, पांचवे में फ्रंट व्यू बनेगा, फाइनली छठे में टॉप व्यू बनेगा। ये सीक्वेंस आप याद कर लें। वैसे आपको ऑलरेडी सेकंड स्टेज तक ऑलरेडी सीक्वेंस याद हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने क्वेश्चंस वो कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर डाउट है तो ये सीक्वेंस थोड़ा याद कर लें कि अगर टॉप व्यू पहले बनता है तो क्या सीक्वेंस फॉलो होनी है, और अगर पहले फ्रंट व्यू बनता है तो क्या सीक्वेंस फॉलो होनी है। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हेक्सागोनल प्लेन दिया हुआ है जिसका 30 mm साइड है, रेस्ट ऑन द वीपी ऑन एन एच, यानी कि उसका एक एच, यानी कि छः में से कोई एक साइड उसका वीपी पे होना जरूरी है, सच दैट द सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। इस तरह से कि उसका सरफेस वीपी से कितना एंगल पे होना चाहिए, 45 डिग्री। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी काफ़ी चीज़ डिस्कस की थी, वही चीज़ रिपीट कर रहा था, मैं उसको शॉर्ट में करूँगा। पिछले वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको, इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। जैसे कि मुझे एच का लेना है इसका, यानी साइड का लेना है, वीपी पे लेना है, तो मैं सेकेंड स्टेज में इसको वीपी से इंक्लाइन करूँगा। ओके, कितना एंगल दिया, वीपी से 45 डिग्री, यानी सेकंड स्टेज वीपी से इंक्लाइन करूंगा और पहले स्टेज में सरफेस को वीपी के पैरेलल रखूंगा। बस इतनी कहानी समझानी थी मुझे आपको, यानी कि एच, अगर एचपी पे चाहिए होती तो सेकंड स्टेज में एचपी से इंक्लाइन करता, पहले स्टेज में सरफेस को एचपी के पैरेलल रखता, क्योंकि इसमें एच कम बोला है, उसने वीपी पे चाहिए उसको, यानी कि सेकंड स्टेज में वीपी से इंक्लाइन करने वाला हूं उसके सरफेस को, और पहले स्टेज में उसके सरफेस को मैं किसके पैरेलल रखूंगा, मैं रखूंगा वीपी के पैरेलल। अब मैं मॉडल के थ्रू कम समझाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ी आपकी आदत होनी चाहिए बिना मॉडल के इमेजिनेशन करने की। ओके, तो मैंने समझा दिया, पहले स्टेज में सरफेस को वीपी के पैरेलल रखूंगा। आप समझ सकते हैं, कोई सरफेस, सपोज ये सरफेस है, अगर ये सरफेस वीपी के पैरेलल है, अभी किसके पैरेलल है, एचपी के पैरेलल है, अगर वीपी के पैरेलल कर दूं तो ऐसा, तो पहले स्टेज में अगर इसको वीपी के पैरेलल कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, फ्रंट व्यू में हेक्सागन दिखेगा। बस यही आपको समझाना था। तो इसमें हेक्सागन का बनने वाला है, ऊपर बनने वाला है, यानी कि यहाँ पहला पहले फ्रंट व्यू बनेगा, यानी कि देखिए यहाँ पहले फ्रंट व्यू बनेगा, क्योंकि ट्रू शेप तो हेक्सागन दिखेगा मुझे, जो फ्रंट व्यू दिखेगा टॉप व्यू लाइन दिखेगी मुझे, तो पहला ये बनेगा। फिर इस सीक्वेंस को फॉलो करना है इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ये सीक्वेंस फॉलो किया था, इसमें ये फॉलो करना है। ओके, तो पहले मैं इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा, फ्रंट व्यू में हेक्सागन बनेगा, टॉप व्यू में लाइन बनेगी, क्योंकि मुझे एच चाहिए था वीपी पर, कहाँ चाहिए था, वीपी पर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एच वीपी पे चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले स्टेज में उसके पूरे के पूरे सरफेस को वीपी पे रखना होगा। और आप समझ सकते हैं, पूरे सरफेस को वीपी पे रखूंगा तो फ्रंट व्यू में तो हेक्सागन दिखेगा, टॉप व्यू में लाइन दिखेगी, वो कहाँ दिखेगी मुझे, एक्स वाई पर, यानी कि रेफरेंस पर नजर आएगी। आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन को बना लिया, आप देख सकते हैं, मैंने जैसा मैंने बताया था वैसे ही मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ किया, सरफेस वीपी के पैरेलल था, तो फ्रंट व्यू में मुझे हेक्सागन नजर आएगा, टॉप व्यू में लाइन नजर आएगी, क्योंकि पूरे सरफेस को मैंने वीपी पे एज्यूम किया था। तो इसका मतलब ये टॉप व्यू जो नजर आएगा मुझे, इसकी डिस्टेंस जीरो होगी एक्स वाई से, यानी कि ये एक्स वाई लाइन भी बनेगा। कैसे बनाना है आपको ऑलरेडी पता है,
याद रखिए क्योंकि उसमें क्या बोला था, एज उसको वीपी पे चाहिए थी, तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिया, हेक्सागन में एज लिया यानी कि साइड लिया, कॉर्नर लेता तो गलत हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साइड लिया लेफ्ट की तरफ जब मैंने इस हेक्सागन को ड्रॉ किया था। ओके, तो यही हेक्सागन ड्रॉ करना है। अगर ये हेक्सागन ड्रॉ करूँगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, कॉर्नर लिया मैंने अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आया, इसका मतलब जब इंक्लाइंड हुआ तो कॉर्नर एचपी पे था, सॉरी वीपी पे था, तो ये कंडीशन हो जाएगी। इसलिए एग्जाम ये नहीं, मुझे यही बनाना है, कौन सा, ये वाला एग्जाम बनाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसलिए साइड लेफ्ट में मुझे लेना ही लेना है, अगर लेफ्ट में कॉर्नर ले लिया तो खिल खराब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फ्रंट भी बन गया, टॉप भी बन गया, आपको ऑलरेडी पता सेकंड स्टेज क्वेश्चन अपन काफी सारे कर चुके हैं, तो इस लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ, उसको मैंने डार्क नहीं किया है, ये टॉप व्यू है, इसको मुझे डार्क करना चाहिए, तो मैं इसे डार्क पेंसिल से डार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये टॉप व्यू हो गया, मैंने इसको पॉइंट को फिक्स किया, इसको इस तरह से घुमा दिया, कितना घुमाया मैंने 48 degrees, तो AB को मैंने ये मार्क किया एक्स वाई पे, कि डिस्टेंस मैं कुछ भी ले सकता हूँ अपनी मर्जी से, तो किसी भी डिस्टेंस में मैंने एक्स वाई पे ए भी मार्क किया, वहाँ से 45 ये लाइन ड्रॉ की, फिर ये पॉइंट्स को डिस्टेंस लेते हुए यहाँ से कट कर लिया। याद रखिए ये लेंथ बिल्कुल सेम है, ये कॉपी करना है यहाँ पे, इस पोजीशन में जाके 45 degrees पे इसको पेस्ट कर देना है, फिर इनको ऊपर ले गया प्रोजेक्टर से, मैशिंग कर दिया, इसका शेप आ गया। इतना अपन ऑलरेडी सेकेंड स्टेज क्वेश्चन में कर चुके थे, तो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी मैं नहीं समझता। बात करते हैं तीसरे स्टेज की, तो तीसरे स्टेज के लिए डेटा क्या दिया हुआ, पहले पढ़ लेते हैं। आगे दिया, एंड द एज on which it rests is inclined at 30 degrees to the HP, यानी कि जो एज आपने अभी तक HP पर ली है, कहाँ ली है, HP पर, सॉरी एज ऑन विच इज रेस्ट, अच्छा VP पे ली थी, ओके, जो एज आपने ये VP पे, सॉरी कहाँ पे, ये VP पे, यानी कि जो एज आपने अभी तक VP पर ली थी, उस एज को मुझे HP से 30 degrees inclined करना है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे यहाँ से, आपको पता है ना, पहले फ्रंट व्यू बना, फिर टॉप व्यू बना, फिर फ्रंट व्यू, अब किसकी बारी, फ्रंट व्यू की, यानी कि फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ फ्रंट व्यू बनाऊंगा, यानी कि अभी कौन सी एज है, ये कौन सी साइड है जो मैंने वीपी पे ली है, उसका नाम क्या, उसका नाम है AB, क्या नाम है उसका, AB, अभी तक मैंने AB को वीपी पर लिया, यानी कि फ्रंट व्यू जब बनाऊंगा ना यहाँ पे, मैं ये पांचवा फिगर बनाऊंगा, फिफ्थ पार्ट बनाऊंगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे इस तरह से बनाना है, एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से मैं HP से, कितना एंगल पे करूंगा, 30 degrees पर, तो ये AB साइड उस 30 degrees पे आनी चाहिए, या 30 degrees वाली लाइन पे आनी चाहिए, या फिर ऐसी लाइन पे आए जो लाइन ऑलरेडी 30 degrees पे है और ये AB उसके पैरेलल है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो AB को ही लूंगा जो लाइन में ड्रॉ करूंगा 30 degrees पर, तो पहले लाइन में ड्रॉ करते हो 30 degrees पे, फिर अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पे 30 degrees पे। अब मैं थोड़ा समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा एक इसी शेप को लेके आया हूँ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था, मगर मुझे लगता है कि आपको और अच्छे समझाना चाहिए। देखिए ये पोर्शन है ना, अब मुझे इसको इंक्लाइन करना है, ठीक है, कितना इंक्लाइन करना है मुझे, ऐसा इंक्लाइन करना है, देखिए अब ये पॉइंट मैंने ए माना है, दिस इज ए बी सी, देखिए यहाँ पे सेम वही है, ABCDEFA, अब मुझे इस तरह से इंक्लाइन करना है कि AB जो है ना साइड, वो क्या हो जाए, इस लाइन के पैरेलल हो जाए, या फिर इस लाइन पे उसको मार्क कर लूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जो साइड मैंने अभी तक VP पे ली है, उसको मैं HP से 30 degrees पर रख दूँ, सेट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं या फिर ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा इसके पैरेलल, पहले कैसे घुमाया था, क्लॉकवाइज घुमाया था, अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे घुमा दिया इसको, तो ऐसे घुमा दूंगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, तो ऐसे घुमाने से क्या हो जाएगा, ए पॉइंट था ये, ए पॉइंट अभी कहाँ है, ये पॉइंट ऊपर है, ये बी है, तो इसे घुमाऊंगा तो ये ए पॉइंट ये है, ओके, ये ए पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चले जाएगा, पूरा फिगर कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, तो मैं यही करने वाला हूँ। सो कैसे घुमाऊंगा, अभी ऐसा है ना, मैं ऐसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉक वाइज लाइक दिस, और इसको इस तरह सेट कर दूंगा, इस लाइन पे ले आऊंगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, और ये पूरा फिगर यहाँ आ जाएगा, और जो साइड अभी VP पर था, उसको मैं HP से 30 degrees पर सेट कर दूंगा, तो इस पोजीशन पे लाके में से मुझे इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और कैसे करना है, तो A नीचे आएगा, B ऊपर आएगा, तो A मैंने यहाँ मार्क कर लिया, सपोज दिस पॉइंट इज A, किसी भी लेंथ पे मार्क कर सकता हूँ, अब क्योंकि अब A फिक्स कर दिया है, तो A से B तक का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ कॉम्पास से, यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे कट किया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया, सॉरी
से कर लेता हूँ. सॉरी ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. ये पॉइंट बी हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक ही कर लेते हैं. बहुत सॉफ्ट पेंसिल है वो. ओके दिस पॉइंट इज बी. ठीक है ए बी दोनों आ गए, ए था ये बी हो गया. अब मेरे हिसाब से कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है. अब मैंने जैसे बताया था ना पिछले बार वैसे ही करने वाले हैं. अब ये ए बी है ना, ए बी के अलावा यहाँ पे देखिए पॉइंट सी है, एफ है, ई डी है, डी है, सब मार्क करने मुझे. तो पहले ये पॉइंट मार्क करूँगा, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मार्क कर लूँगा, है ना, जो एक ए के बाजू में होगा एक बी के बाजू में है. तो यानी कि बी के बगल वाला पॉइंट है, मैंने डिस्टेंस ये लिया बी के बाजू में, यानी कि यहाँ पे कट किया, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा और ये डिस्टेंस सेम होने वाली है, फिगर साइमेट्रिकल है. यानी कि ए पर रख के ए के बाजू में मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया. यानी कि कितने पॉइंट होगा मेरे पास, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट मेरे पास निकल के यहाँ पे आ गया. अब ये देखेंगे कि जितने भी पॉइंट हैं, एक लाइन, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों लाइन पे आ रहे हैं और ये चारों चारों लाइन कैसी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है. यानी कि ये लाइन दोनों एक ही चीज़ है. यानी कि मैं क्या करूँगा, ड्राफ्टर जाऊँगा, मुझे पता है कि पूरा फिगर का बनने वाला ऊपर बनने वाला है. यानी कि ड्राफ्टर मैंने इस पर सेट किया और इस पॉइंट से, ए से, बी से और बी के राइट में जो पॉइंट मार्क किया, चारों से मैंने लाइन मार्क कर लिया. अब मुझे देखो ए बी तो मेरे पास है ही ऑलरेडी. बी से ले, ये इस लाइन से लेकर सी तक की दूरी ली, कौन सी लाइन से लिए, कौन से पॉइंट से लिए मैंने, जो पॉइंट बी के बाजू में था, बी के बगल में था. तो बी के बगल में कौन सा पॉइंट, ये है. यानी कि इस पे रखूँगा मैं यहाँ पर और यहाँ पे कट करूँगा. कट करने से कौन सा पॉइंट मिलने वाला है मेरे को, ये पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट सी हुआ, ये सी मिल गया मेरे को. सिमिलर ये डिस्टेंस सेम होगी. यानी कि ए के बगल वाले पॉइंट से मार्क करना है. ए पर बगल वाले पॉइंट पे का यहाँ कट किया, ये पॉइंट कौन सा मिला, ये पॉइंट एफ था. तो ये पॉइंट कौन सा मिला मुझे, एफ मिल गया. ठीक है अब ए देखे, ए की लाइन में मुझे सी मिल, ई मिल रहा है, सॉरी कौन सा मिल रहा है, ई पॉइंट मिल रहा है. तो ए पे रखा मैंने, ए से ई का डिस्टेंस लिया और ए पर रखा मैंने और इसी लाइन पे कट किया, ये मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मुझे मिलेगा ई. सिमिलर उसी में मैं डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों सेम होंगी, तो बी पर रखते हुए मैंने यहाँ पे इसे कट किया, यहाँ पे कट करने पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा डी. अब मुझे इन सबको आपस में डार्क लाइन से ज्वाइन कर देना है. मैंने इन सबको आपस में डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया. अब इनके प्रोजेक्टर को नीचे लेके आऊँगा और यहाँ के प्रोजेक्टर को टुवर्ड साइड लेके आऊँगा, मैशिंग करूँगा, यहाँ पे इस शेप को मैं मार्क कर लूँगा. तो पहले इतने पोर्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ. ओके देखिए मैंने मैशिंग कर लिया है, सारी लाइंस को यहाँ ले आया, सारे पॉइंट से लाइन ड्रॉ करके मैं टुवर्ड्स राइट ले आया. मैशिंग करता हूँ, ए कहाँ मिलेगा, ए की लाइन ये, ए की लाइन, यानी कि ए पॉइंट मुझे यहाँ मिलने वाला है. बी कहाँ मिलेगा, बी यहाँ पे मिलेगा मुझे, दिस पॉइंट इज बी. सी मुझे कहाँ मिलेगा, सी यहाँ मिलेगा. एफ मुझे यहाँ मिलेगा. डी मुझे, ई मुझे यहाँ मिलेगा और डी मुझे यहाँ मिलेगा. अब क्या करना है, इन सबको आपस में डार्क लाइन से ज्वाइन कर देना है. ओके जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे पॉइंट्स को आपस में डार्क लाइन ज्वाइन कर दिया. तो ये रहे फाइनल प्रोजेक्शन, ये अपना आंसर है. तो ये फ्रंट व्यू होगा उस कंडीशन में, ये टॉप व्यू होगा. वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.